श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्य नहीं हो सकता। तो भगवान जो आनंद स्वरूप है, जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, उसमें दुख नाम की कहीं चीज नहीं है। तो फिर ये पूरी दुनिया क्या है? ये पूरी दुनिया केवल भगवान की लीला मात्र है। और भगवान की लीला का जो मूल तात्पर्य है, मूल लक्ष्य है, वो है रास। पूरे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का जो मध्य बिंदु है, हृदय है, वह है रास लीला का। उसको हमने देखा। रास किसको कहते हैं? रस के उद्दीपन भाव को रास कहते हैं। रस माने जीवन के प्रत्येक बात में आनंद का अनुभव करना। खाने में आनंद का अनुभव, बैठने में आनंद का अनुभव, चलने में उसी प्रकार से, सोने में उसी प्रकार से, माने जो भी हम करें उसमें केवल आनंद की ही अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये जीवन का एकमात्र सिद्धांत। जिसके जीवन में पूरी तरह से आ गया है, उसने भगवान की रास लीला को समझ लिया है। तो ऐसे भगवान के रास लीला का प्रसंग पूरा होने के बाद अब भगवान की जो दूसरी लीलाएं हैं वो प्रारंभ होती है। भगवान को ले जाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा था, और अक्रूर जी जब कंस भगवान कृष्ण को लेकर के निकले तो वहां की गोपियों का दुख इत्यादि सब प्रसंग हमने देख लिए। और फिर रास्ते में जाते जाते यमुना जी के जल में जब अक्रूर जी ने स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो वहां उन्होंने भगवान के दिव्य रूप को देखा कि जितने भी वरुण लोग हैं वे सभी के सभी भगवान की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना कर रहे थे। और ऐसी भगवान की दिव्य लीला देखने के बाद उन्होंने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करी और कहा कि नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। हे ऋषिकेश, आप हमारी रक्षा करें, हम आपके शरणागत हैं। यहां तक के हमने 40 अध्याय पूरे किए थे, अब हम प्रवेश करते हैं 41वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण जी अब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुक उवाच, ये हमको भूलना नहीं चाहिए, बीच में याद रखना है कि ये जो कथा है, ये कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं और सूत जी जो है वो शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। तो जहां जहां जैसा जैसा संबंध है वैसा हमको देखना है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्तुवतः स्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूय समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनाम् सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलान् उन्मज्ज सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत तमपृच्छ ऋषिकेशः किं ते दृष्टिमवाद्भुतं भूमौ व्यतितो एव तथा त्वां लक्षयामहे। अक्रूर जी ने भगवान की जल के अंदर में रह करके स्तुति करी, उनके दिव्य दर्शन को देखा। उसी समय भगवान ने अपने उस दिव्य रूप को अंतर्धान कर लिया और जैसे नाटक में कोई नट है तुरंत अपने कपड़े बदल करके दूसरा रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार से। और जब यह भगवान का दिव्य रूप गायब हो गया तो अक्रूर जी जल के बाहर आए और जब उन्होंने अपने आवश्यक कर्म पूरे किए उसके बाद देखा कि भगवान तो रथ पर बैठे हुए हैं बलराम जी के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि चचा जी बताइए
कि आपने पृथ्वी आकाश और जल इसमें कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपका चेहरा ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई विशेष बात देखी है। ऐसा कहने के बाद अक्रूर जी भगवान के साथ वार्तालाप करते हैं, अद्भुतानि यावन्ति भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं ने दृष्टं विपश्यतः यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले त्वं त्वानुपश्यतो ब्रह्मं किं मे दृष्टमिहाद्भुतम्। हे भगवान, ये जो तीन प्रकार के स्थान आपने पूछे हैं, पृथ्वी आकाश और जल, इन तीन स्थानों में ही संपूर्ण जगत का वैचित्र छिपा हुआ है और ये सभी के सभी स्थान पृथ्वी जल और आकाश आप में ही निहित है। इसीलिए जब मैंने आपको ही देख लिया तो और नई आश्चर्य की बात कौन सी देखनी है जगत में। माने इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हमारे दृष्टि में परमात्मा का दर्शन हो गए। देखो, भगवान का दर्शन हमको जब तक दो प्रकार से नहीं होता तब तक कि वो पूरा दर्शन नहीं है। पहला, भगवान का दर्शन हमको दृश्य के रूप में होना है और दूसरा, भगवान का दर्शन हमको आत्मस्वरूप से होना है। तो जो भी हम देख रहे हैं वह परमात्मा स्वरूप ही है। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच। इस जगत में दो प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं एक परमात्मा की, एक है क्षर अभिव्यक्ति, दूसरी है अक्षर अभिव्यक्ति। क्षर माने परिवर्तनशील जगत और अक्षर माने इस परिवर्तनशील जगत को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य का भाव है जीव अथवा ईश्वर के रूप में। ये दोनों अभिव्यक्तियां एक ही परमात्मा की है, इसलिए हमारा परमात्मा का ज्ञान पूर्ण तब होगा कि जब हमने प्रत्यक्ष में इंद्रिय प्रत्यय के माध्यम से और आत्मस्वरूप में जब हमने भगवान का दर्शन किया तब। कोई ये कल्पना करे कि हम आत्मस्वरूप से तो भगवान को पहचानने को तैयार है लेकिन जो दिखता है वो मिथ्या है, तो उनके ज्ञान में कमी है, खोट है। इसलिए कहते कि भगवान आप ही सब कुछ है और इसलिए आपको देखने के बाद इस जगत में और कोई आश्चर्य बचा रहता है क्या? उसके बाद उन्होंने अक्रूर जी ने रथ को हाका और धीरे धीरे शाम तक मथुरापुरी में आके पहुंच गए। और जब मथुरा में आकर के पहुंचे तो स्थान स्थान पर गांवों के लोग उनको मिलने के आते और भगवान कृष्ण बलराम जी को देख करके बड़े खुश हो जाते हैं और उनके तरफ ऐसे एक तान दृष्टि से देखते रहते हैं कि जैसे उन्होंने कोई जगत में देखा ही नहीं हो। और उस समय भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि चचा जी, अब आप पहले मथुरा में चले जाइए, हम लोग यहाँ नगर के बाहर ही उतरेंगे, क्योंकि उनके जो नंद बाबा इत्यादि गोप आए थे वो बाहर ही पड़ाव डाल करके आराम कर रहे थे। उस समय अक्रूर जी कहते हैं कि देखो भगवान, ना हम भवद्भ्याम रहिताम प्रवेक्षे मथुराम प्रभु त्यक्तुम ना रसिमाम नाथ भक्तम ते भक्तवत्सल आगच्छयाम गेहान्नहाम सनाथान कुरुवधोक्षज सहाग्रजहा सगोपालैहि सुहृद दृष्ट सुहृत्तम। देखो भैया, हे भगवान, आप हमारे साथ मथुरा में आइए, हम आपको छोड़ करके अकेले नहीं जाना चाहते क्योंकि हम आपके भक्त हैं और आप हमें मत छोड़िए। और हमारे सच्चे सुहृद मित्र यदि कोई है तो केवल आप ही है, इसलिए सभी के सभी आप बलराम जी ग्वाल बाल सभी के सभी हमारे साथ चल करके हमारे घर को पवित्र बनाइए और हमारा घर आपके चरण से पवित्र होगा और इसी के द्वारा हम और हमारे जितने पितृ देवता है सब सभी के सभी प्रसन्न हो जाएंगे। हम आपके चरण कमल धोएंगे, जहाँ से गंगा जी का निर्माण हुआ उसी चरण कमल के जल को सर पर धारण करेंगे और इस प्रकार से आप
हमारे साथ चलिए, आप हमको अकेले जाने को मत कहिए। यहां एक दो महत्व की बात है। देखो, महात्माओं को अपने घर में ले जाने की जो प्रथा हमारे शास्त्रों में है, उसके अनेक भाव हैं। एक तो भाव यह है कि सत्य युग में और द्वापार युग में भगवान की उपासना और पूजा गुरु और माता पिता इनके रूप में होती थी। या तो जो दिव्य दिव्य शक्तियां हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा इत्यादि, इनके रूप में होती थी। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे मनुष्य में भगवान को देखने की क्षमता व्यक्तियों में कम होने लग गई। और इसीलिए उनको मदद करने के लिए द्वापार युग से फिर मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया। उसके पहले जितनी भगवान की पूजा होती थी, वो गुरु के रूप में या माता पिता के रूप में ही होती थी। अच्छा, अब एक बार ये मूर्ति पूजा करने का आदत हो गई व्यक्तियों को, तो उसके बाद हम लोग जब जाते हैं किसी के घर में, तो हमारी पूजा जिस प्रकार से मूर्ति पूजा होती है, उसी प्रकार से करते हैं। एक दो उदाहरण आपको दूं। हम गए थे राजस्थान, 8 दिन 15 दिन पहले। राजस्थान बड़ा अच्छा प्रदेश है, बड़े भक्त लोग हैं, और वहाँ एक बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है, उसमें हमारे लेक्चर होते हैं सिनेमा हॉल में। सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक के 2 घंटे आराम से पूरा का पूरा हॉल भर जाता था, और हम स्टेज पर आकर के नाटक ही तो करना है तो नाटक करते। और वहाँ फिर वहाँ के ट्रेडिशन के अनुसार इतनी सारा मालाएं लेके आएंगे, गुलाब की सुंदर सुंदर मालाएं, और फिर एक एक को बुलाएंगे। अमुक अमुक आकर के महाराज श्री को फूल माला अर्पण करके अपने आप को धन्य बनाए। फिर वो सज्जन आकर के माला लेते वहां से, मैं गिनता था और कितनी बाकी है, और वो माला होती थी गिली, वहां है ठंड, वो गिली गिली माला गले में डाल, और सभी के सभी माला पढ़ने के बाद ऐसे लगता था या तो मैं पसीने से तर हो गया हूं या तो मुझे नला दिया है। देखो, उसी प्रकार से कई जगह ये जो पाद पूजा का चक्कर है, मैं कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे इसी कारण से। पाद पूजा के चक्कर में गरम दूध चाय का पैरों को डाल करके धोएंगे स्वामी जी, अरे बाबा मैं जिंदा हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। यह जो मूर्ति की पूजा है और मनुष्य की पूजा है, इसमें बहुत फर्क है। जिनको ये मूर्ति पूजा करने की आदत है, वो सोचते हैं कि जो मनुष्य है वो भी मूर्ति ही है, लेकर के चंदन धड़ाधड़ पूरा लगा देंगे मोहर्रम के उसके देश सजा, और ये सिंदूर या जो भी है इतना लगा देते हैं, उसके बाद उसको सर को वॉशिंग मशीन में डाले तो भी निकलता नहीं। यह जो पूजा करने की पद्धति है महात्माओं के लिए, इसका एक भिन्न तात्पर्य है। पहला तात्पर्य यह है कि हम यदि किसी मनुष्य में भगवत बुद्धि कर सकते हैं, तो सभी मनुष्य में भगवत बुद्धि कर सकते हैं। पहले ये सीख हमको लेनी है। अच्छा, हम साधु संतों में गुरुजनों में यह भगवत बुद्धि करने का कारण क्या है? दो कारण है। एक तो कारण है हमारी परंपरा, हमारे शास्त्रों में हमारे संस्कृति में जो बताया है, उस परंपरा के अनुसार हम साधु संतों में भगवान का दर्शन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम उनमें कुछ विशेषता देखते हैं। तो ये दो कारणों से हम साधु संतों में भगवान का दर्शन करते हैं। अब इसको अपनी साधना बना लो। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छी बात होती ही है,
इस जगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसमें एक भी अच्छी बात ना हो। इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसमें एक भी अच्छी बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यदि हम अपने दृष्टि को इस प्रकार का ट्रेनिंग दे दें कि प्रत्येक व्यक्ति में जो प्लस पॉइंट है, जो अच्छी बात है, उसको देखते रहने का अभ्यास करें, वो करने से धीरे धीरे हमारे हृदय में हमेशा आदर का वातावरण निर्माण होगा। और जहां हमारे अंतकरण में किसी के भी प्रति जब आदर की भावना निर्माण होती है तो मन में प्रसन्नता होती है, और उसी प्रसन्नता को कहते हैं भगवान की हमारे हृदय में अभिव्यक्ति। परमात्मा दुख स्वरूप नहीं है, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि हमारे घर में आकर के हमारे घर को पवित्र कीजिए। अक्रूर जी की ये वचन सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने भैया दाऊ के साथ आपके साथ आपके घर में जरूर आऊंगा, लेकिन पहले ये जो कंस महाराज है इसको निपटने दो, उसको निपटने के बाद फिर हम आ जाएंगे। यदु चक्र द्रुहम हत्वा वितरिष्ये सुहृत प्रियम, मेरा यहां आने का जो मूल प्रयोजन है कंसों को मारना है, इसके द्वारा सभी लोग सुखी होंगे। ऐसी जब बात सुनी सुखदेव जी महाराज कहते हैं एव मुक्तो भगवता सोक्रूरा विमना इव पुरीम प्रविष्ट कंसाय कर्मा वेद्य गृहम ययौ। जब ऐसी बात सुनी भगवान के मुख से कि भगवान तो कंस को मारने के लिए आए हैं, उनके मन कोई संदेह नहीं है, तो अक्रूर जी को थोड़ा अटपटा लगा, उनका मन थोड़ा खिन्न हो गया कि क्यों भगवान ये कृष्ण अर्जुन को मारने में तुले हुए हैं। फिर भी उन्होंने मथुरा नगरी में प्रवेश किया और कंस को बताया कि मैं बलराम कृष्ण को ले आया हूं, और फिर अपने घर चले गए। और फिर दूसरे तीसरे दिन भगवान मथुरापुरी देखने के लिए वहां से निकले, क्योंकि वो तो गांव के रहने वाले थे, जंगल के रहने वाले थे, अब इस शहर जो राजधानी था, राजधानी को देखने के लिए निकले। जैसे आप अपने बम्बई में देखते हो ना, जब कोई गांव का आता है तो वो सामने देख करके नहीं चलता, ऊपर देख करके चलता है। और ऐसा कई बार होता है, आपको समझो रास्ता मालूम नहीं, किसको पूछो भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, वो अपनी तरफ देखते हैं मैं भी नया हूं, 10 बार आपको ऐसा मिलता कोई ना कोई। तो इस मथुरा नगरी का सौंदर्य देखने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम जी साथ साथ चल पड़े। क्या हो गया इसका? ठीक है, और जब उन्होंने देखा तो चारों तरफ ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य था। यहां ऐश्वर्य का बड़ा सुंदर वर्णन आता है, वहां बड़े सोने के, तांबे के, पीतल के बड़े बड़े में ये मकान थे, उसमें बड़े बड़े दरवाजे थे, सुंदर सुंदर वहां उपवन बने हुए थे, और अनेक प्रकार के टाउन हॉल थे, वैदुर्य हीरे स्फटिक नीलम मूंगे मोती पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे चबूतरे झरोखे फर्श जगमगा रहे थे। सड़क बाजार गली चौराहे पर खूब छिड़काव किया था, स्थान स्थान पर फूलों के गजरे और खील चावल बिखरे हुए थे। इस प्रकार संपूर्ण इस मथुरा नगरी में कंस के ऐश्वर्य का पता चल रहा था, और इस प्रकार से उन्होंने ऐसे नगरी में प्रवेश किया। जब उन्होंने इस नगरी में प्रवेश किया तो उनको देखने के लिए नगर की जितनी भी नारियां थी सब बड़ी उत्सुकता से अपने अपने अटारियों पर आकर के देखने लगी, और इतनी जल्दी हो गई थी सभी नारियों को कि उन्होंने अपने कपड़े ठीक से नहीं पहने, उल्टे उल्टे गहने पहन लिए, किसी ने कुंडल पहना, किसी ने कंगन पहना, और एक दूसरे पैर में दूसरा हाथ का पैर में, इस प्रकार से सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकदम पागल की तरह
भगवान को देखने के लिए चली आई और उस समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे, ऐसा ही वर्णन आता है। भगवान रामचंद्र जी ने जरब जनकपुरी देखने के लिए निकले थे, भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, और वही जोड़ा यहाँ है, सिर्फ उनका रोल बदल गया है, नाम बदल गए है, तत्व वही है। तो सभी की सभी भगवान की लीलाएं सुनी हुई स्त्रियां इकट्ठी हो गई और उनका मन भगवान को देखने के लिए इतना चंचल हो गया था, व्याकुल हो गया था। और जब भगवान की उस सुंदर मुस्कान को देखा और सबका उन्होंने सम्मान किया और सभी की सभी स्त्रियों ने भगवान को अपने आंखों के दरवाजे से हृदय में जाकर के उनका शरीर का आलिंगन किया और इस प्रकार से अटारियों पर चढ़ करके स्त्री पुरुष सभी के सभी भगवान पर फूलों की वर्षा कर रहे थे और भगवान कृष्ण बलराम जी सबकी पूजा स्वीकार भी कर रहे थे। और आपस में ये लोग कहने लगे पूर्वासी कि धन्य है ये गोपियां, उन्होंने पता नहीं कौन सी तपस्या की थी कि संपूर्ण मनुष्य को परमानंद वितरण करने वाले भगवान के इस किशोरावस्था के सौंदर्य को, उनकी लीलाओं को ये हमेशा देखती रही। संपूर्ण विश्व में यदि सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है भगवान के तो वो केवल व्रज की गोपियां हैं। हमारे नारद जी भगवान भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त, लेकिन उनको भी ऐसा ही अभिमान कि मेरे से बढ़कर के तो कोई भक्त हो ही नहीं सकता। इस अभिमान के कारण व्यक्ति के भगवान के प्रति जो भक्ति है उसमें कलंक आ जाता है। देखो, भगवान का बोझा हम अपने सर पर नहीं ढो सकते, भगवान के प्रति हम समर्पित जरूर हो सकते हैं। अब देखो भगवान का बोझा कैसे हम सर पर ढोते हैं, जब हम ये कल्पना करके बैठे कि भगवान केवल हमारे ही है और किसी के नहीं है, वी बिकम पजेसिव ऑफ द लॉर्ड। और जब हम पजेसिव बनते हैं तो उसके कारण फिर जीवन में परेशानी आती है कि दूसरा कोई यदि हमारे प्रियतम से प्रेम करे तो उसके बाद फिर जेलसी, जलन इत्यादि सब शुरू हो जाता है। जिस प्रेम की अभिव्यक्ति जलन और द्वेष के रूप में होती है वह प्रेम नहीं, वह आसक्ति होती है। बहुत महत्व की बात है। और इसीलिए देखो, नॉर्मली हम लोग क्या सुनते हैं कि एक प्रियतमा अपने प्रियतम को मिलने के लिए अकेली छुपके से ऐसे स्थान पर गई कि जिसको कोई ना देख सके और केवल अकेली रह करके अपने प्रियतम के साथ वो पूरा खुल्लम खुल्ला उसे प्रेम करेगी। लेकिन व्रज की गोपियां अकेली कभी नहीं गई, वो सब मिलके जाती थी भगवान के पास, क्योंकि उनके प्रेम में जाराणाम युव नहीं था। उनका जो प्रेम था उसके प्रेम में किसी प्रकार के काम वासना की दुर्गंध नहीं थी। उनका प्रेम पवित्र और संपूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा थी। और इसलिए जब ये नारद जी को समझाना था भगवान को कि तुम अपने को भक्त भक्त कहते हो, भक्त को देखना है तो हमारी व्रज की गोपियों को देखें और उनके भक्ति की सौंदर्य श्रेष्ठता क्या थी, ये बात हम सबको सीखने जैसी है। हम लोग कहते तो है कि हम गुरु से प्रेम करते हैं, महात्माओं से आदर करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम आदर कैसा है? अपने मनवा के लेना, और यदि हमारी बात गुरु ने मानी तो गुरु महाराज धन्य है, नहीं मानी डिलीट विथ वन क्लिक। तो समर्पण यदि पूरा है तो अपना दुराग्रह छोड़ना है, और यदि हम साधु संतों के साथ रहकर भी अपने ही दुराग्रह को पकड़ के रखेंगे तो हम उसी प्रकार से जैसे रुद्राक्ष माला
भगवान शंकराचार्य के गले में इतने साल पड़ी रही लेकिन वो रुद्राक्ष माला ही रही, उनका कोई उद्धार नहीं हुआ। उसी प्रकार से हम केवल साधु संतों के संग रह करके अपना उद्धार नहीं करते, इसी दुराग्रह के कारण। तो यह जो गोपियां थी इनका वैशिष्ट्य यही था कि उन्होंने कभी भी हमको ऐसा चाहिए इसीलिए आप ऐसा करो दुराग्रह नहीं किया था, उनके प्रेम में समर्पण था। तो कहती है कि ये गोपियां कितनी भाग्यवान है कि उन्होंने भगवान के सभी लीलाओं को बचपन से देखा था। अब इसके बाद भगवान की भिन्न भिन्न लीलाएं प्रारंभ होती, चाहे भगवान राम रहे चाहे भगवान कृष्ण रहे। लीला इनकी प्रारंभ होती है धोबी से, धोबी ने नहीं छोड़ा। भगवान रामचंद्र जी को भी धोबी ने ही परेशान किया और भगवान कृष्णचंद्र जी को भी धोबी ही पहले सामने आया। धोबी कौन होता है? जो सबकी गंदगी धोता है वो धोबी। गंदे कपड़े ले जाएगा धोबी और उसको धुलाएगा। अब यहां जब भगवान जा रहे थे तो उन्होंने एक धोबी को देखा जो रंगाने का भी काम करता था और उधर से आ रहा था। तो भगवान ने कहा कि देखो हमको अच्छे अच्छे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े देना, हम भी पहनना चाहते हैं। और कहा कि हमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर में फिट आ जाए। और असल में बताऊं इन वस्त्रों के अधिकारी तो हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है, इसीलिए तुम सभी के सभी वस्त्र हमको दे दो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जब ऐसी बात कही तो असल में देखा जाए परीक्षित तो इस जगत की प्रत्येक वस्तु भगवान की ही तो है। हमको ये जो शरीर रूपी वस्त्र मिला है ये तो भगवान का ही दिया हुआ है ना, हमने थोड़ी इसको निर्माण किया है। तो पहली भगवान की लीला ये है, कहते हैं कि हे धोबी ये वस्त्र धुले हुए हमको दे दो। देखो महाराज, भगवान शंकराचार्य पहले ही श्लोक में कहते हैं भज गोविंदम के, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रम करणे। भगवान की लीला का पहला पहलू मथुरा में प्रवेश करने के बाद कि हमको अपने कपड़े माने अपना जो स्थूल देह है भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से अर्पित कर देना है। भगवान के प्रति अपने स्थूल देह को अर्पण करना माने अपने स्थूल देह से प्राणी मात्र की सेवा करना, यही संपूर्ण समर्पण है। और जितना हमारे हृदय में यह सेवा भाव जागृत हो करके हम सब की सेवा करने में लग जाए तो हमारे जीवन के तीन दोष जो है वो मिट जाते हैं। सबसे पहला दोष ये है कि हम इस देह का अभिमान करके अपने आप को दूसरों से भिन्न और दूसरों से श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। अभी हम गए थे हमारे मैसूर में, वहां एक ने हमको खाने को बुलाया। हम जब जा रहे थे तो हमारी जो होस्ट अम्मा थी उनको कहा कि आप भी आ सकते हैं हमारे घर में। बोले हाँ जरूर आएंगे, हम क्यों नहीं आएंगे। बोले हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है, स्वामी जी तो आ जाएंगे हमको मालूम है, इनका तो कोई जाति धर्म होता ही नहीं, लेकिन आप तो ब्राह्मण है, आप क्या हमारे घर में आएंगी। देखो मनुष्य को अपने देह का अभिमान, केवल मैं उच्च वर्ण का हूं ऐसा ही नहीं होता, मैं नीच वर्ण का हूं ये भी अभिमान ही है। ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक कि ये जो भेद भावना है ये कभी खत्म नहीं होगी, और जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक के ना तो अपने मन में शांति होगी ना तो समाज में शांति होगी। तो अपने जीवन के दुख का मूल कारण है देह तादात्म्य के कारण अपने आप को परिच्छिन्न बनाना और दूसरों से अलग करके रहना। देखो
जितना हम सुखी है यह अभिमान बंधन कारक है, उससे भी ज्यादा अभिमान हम दुखी है यह अभिमान बंधन कारक है। उसी प्रकार से हम अपने को उच्च वर्णीय समझे या हम अपने को नीच वर्णीय समझे, दोनों भी अभिमान हमारे ही जीवन में बंधन का कारण बनते हैं। दूसरा जो बंधन परेशानी हमारे स्थूल देह को लेकर के होती है वो होती है अपने जीवन में आलस्य की प्रधानता। मनुष्य के जीवन में जो आलस आता है वो देह को लेकर के, आलस शब्द बनता है अरस शब्द से, अरसस्य भावः आलस्यः, रस माने हर चीज में आनंद आना, अरस माने हर चीज में बोर होना। अब क्या करेंगे, सुबह उठ करके पढ़े रहो, पढ़ के क्या करेंगे, जब तक के नेचर नहीं बुलाएगा तब तक पढ़े रहे, ये कोई लाइफ है? जो व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षण में रस का अनुभव नहीं कर सकता वो आदमी अरसिक होता है। ऐसे अरसिक व्यक्ति को किसी संगीत सम्मेलन में ले चलो, वहां साक्षात हमारे पंडित भीमसेन जोशी जी महाराज भी अप्रतिम गायन प्रस्तुत कर रहे हो, तो ऐसे अरसिक औरंगजेब क्या कहेंगे, पता नहीं क्या करे जा रहा है। एक बार ऐसे ही हम कहीं गए थे, पूना की बात है, तो जब हमको वहां देखा, हम बाहर आए, उस संगीत सम्मेलन में होता है, दिसंबर में होता है हर साल वहां, तो एक बार हम गए थे, वापस आए, एक सज्जन हम मिले, बोले आप स्वामी जी होकर भी इसमें जाते हैं, इसमें क्या पढ़ा है? तो हमने कहा कि पता नहीं क्या पढ़ा है, लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमने कह दिया। और पुणेरी आदमी सीधी बात नहीं मानता। एक बार पुना की बात बताऊं, गोखले रोड पर चार आदमी जवान लड़के रास्ते के बीच में खड़े बाइसिकल पर खड़े थे, जोर जोर से बोले जा रहे हैं। उधर से बुढ़ाऊ पुणेरी आया, सभी पुणेरी, उधर से बुढ़ा पुणेरी, उसने पूछा तू गोखले का नहीं, तू गोखले का नहीं, चारों को पूछा तू गोखले, तू गोखले, तू गोखले, तू गोखले, बोले नहीं। फिर कहते ये तुम्हारे बाप का रास्ता है, रास्ते में खड़े हो, हटो यहां से। देखो सीधी बात करना मैंने वो पुणेरी नहीं हो सकता। तो जब हमने ऐसा कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुस्सा आ गया, आपने हमको बंदर कहा? हमने कहा नहीं प्रभु, आप कैसे बंदर हो गए, बंदर तो हम है, आप तो अदरक हो। देखो जिस व्यक्ति में रस नहीं है, अरसिक है, उसके जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता, और रस के अभाव को कहते हैं आलस्य। और जितना व्यक्ति में आलस्य ज्यादा रहेगा उतना देह तादात्म्य भाव बना हुआ है, और ऐसा आलसी व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता। ऐसे आलसी व्यक्ति के जीवन में भौतिक या अभ्युदय की प्रगति वो भी नहीं हो सकती। हम कहां गए थे, आसाम में गए थे, और वहां एक प्रश्नोत्तरी था, उसमें एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आजकल के युवा लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन बहुत होने लग गया है, इसका कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। तो हमने कहा पहली बात, जो जवान व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होता है वो अनएम्प्लॉयबल होता है, पहला सिद्धांत। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट माने कहीं जाकर के एक नौकरी मिल जाए, उसके बाद केवल भगवान ही उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो वीआरएस का वायरस, ये जो वीआरएस है ना
ये वायरस का एब्रीविएशन है। तो यह जो आलस्य है इसी के कारण लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं और कोई कारण नहीं, मेहनत करने नहीं है उनको, केवल चाहिए ऑफिस का जॉब। इसीलिए स्थूल देह ये जो कपड़ा है हमको भगवान को अर्पण करना है, तो उसका दूसरा लक्षण यह है जीवन से आलस्य निकल जाए। तो एक हो गया भेद, दूसरा हो गया आलस्य, तीसरा इस स्थूल देह को लेकर के हम जब इसके गुलाम बन करके रह जाते हैं तो पूरा जीवन केवल भोग प्रवृत्ति से बढ़कर के और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो तीन बातें हैं देह को लेकर के, ये भगवान के प्रति अर्पण करनी है, ये बताने के लिए भगवान ने ये धोबी के कपड़ों की लीला करी है। अब देखो, हम यदि भगवान को कोई वस्त्र अर्पण करना चाहेंगे तो कैसा वस्त्र होगा? धुला, साफ सुथरा। ऐसा थोड़ी है कि भगवान को नहलाने के बाद पोछना है। ये भगवान का टॉवल कहाँ गया? कोई नहीं, वो जो बाथरूम के पास रखा है ना, पोछा लगाने का लिया उसी को। नहीं, भगवान के लिए जो कपड़ा होगा वो पवित्र, साफ सुथरा और पब्लिक के द्वारा प्रयोग किया नहीं होगा। तो पहली भगवान की लीला है, भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे ये कपड़े हमको दे दो, क्योंकि तुम्हारे इन कपड़ों के अधिकारी वास्तव में हम हैं। देखो, हमारे इस देह का अधिकार पहले माँ बाप का होता है और फिर भगवान का होता है। ये बात जिसके जीवन में समझ में आ गई वो अपने आप सेवा के व्रत को धारण करेगा। हमारे शास्त्रों में जो बताया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह जो साधना है यह स्थूल देह के बंधन को काटने की साधना है। जो व्यक्ति सेवा करता है उसके जीवन में भोग प्रधानता नहीं हो सकती, जो व्यक्ति सेवा करता है उसके जीवन में आलस्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सेवा करता है तो जिसकी सेवा हो रही है उसके प्रति उसके मन में आदर का भाव होता है। देखो तीन बातें, और ये करने के लिए भगवान ने ये पहली लीला करी कि अरे धोबी महाराज, तुम्हारे कपड़ों के अधिकारी तो असली हम हैं। हमारे कबीर जी महाराज कहते हैं ना कि ये जो चादर है भगवान ने हमको उड़ाई थी, हम आकर के इस दुनिया में इसको गंदी कर डाले हैं। और क्या गंदगी है इस देह में? गंदगी यही है कि दूसरों से सेवा लेना, आलस्य में पड़े रहना, भेदभाव को बढ़ावा देना और पूरे जीवन को भोग में नष्ट कर देना, इसी को भगवान को अर्पण करना है। क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारा भला होगा, अन्यथा तुम अपना भला नहीं कर सकते हो। स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपम रुषितः प्राह मृत्युराज्ञ सुदुर्मदः। जब ऐसी बात सुनी हे परीक्षित, तो वह जो कंस का सेवक था, धोबी था, अत्यंत मूर्ख था, उसने भगवान की लीला को तो समझा नहीं और गुस्से में आकर के उनको अपशब्द कहने लग गया कि ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः परिधत्त किमुद्रुत्तां राजद्रव्याणि बिभ्सतः। हे जंगलों में रहने वाले जंगलियों, तुमको क्या मालूम है कपड़े कैसे पहनते हैं, और तुम राजा के धन को लूटने की बात कर रहे हो? यदि फिर किसी से कुछ मांगोगे तो राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़ लेंगे, कैद में डालेंगे, मारेंगे भी और सब छीन लेंगे। इसीलिए तुम इस चक्कर में मत पड़ो, यहां से बकवास बंद करके निकल जाओ। जब ऐसी बात भगवान को धोबी ने सुनाई तो भगवान ने उसको एक कस के चांटा मारा, जिसके द्वारा उसका सर देह से अलग होकर के गिर गया। जब वो इस प्रकार से मर गया तो धोबी के साथ जितने गधे थे
माने बाकी जो धोबी थे वो सभी की सभी गठड़िया वहीं छोड़ करके वहां से भाग निकले और भगवान ने फिर उन सभी वस्त्रों को लिया और सभी लोगों में बांट करके अपने अपने पहन लिए और उनको बड़ा मजा आने लगा। पहली बार इम्पोर्टेड क्लोज वो पहन लग गए। देखो भगवान के लिए तो इम्पोर्टेड था है ना, गांव के रहने वाले। और जब ऐसा भगवान चल रहे थे तो आगे उनको दूसरा मिला दर्जी, जो पहले कपड़े की मार्केट से जा ला रहे थे भगवान, तो उनको वहां दर्जी मिला और दर्जी ने भगवान के इस अप्रतिम सौंदर्य को देखा तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और स्वयं आकर के उसने हरेक के कपड़े फिट करके उनके ऊपर में ठीक से सजा दिए और इस प्रकार से सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके जब जा रहे भगवान दर्जी पर बड़े प्रसन्न हुए और तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादा सारूप्यमात्मनः श्रीयम च परमाम लोकी बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियम। उन्होंने उस दर्जी को बहुत सारी धन संपत्ति बल ऐश्वर्य स्मृति और दूर तक देखने की इंद्रिय की शक्तियां दे दी और मृत्यु के बाद उसको सारूप्य भी माने सारूप्य मोक्ष भी भगवान ने प्रदान किया। तो कपड़े को लेकर के दो निकले, एक तो निकला धोबी, दूसरा निकला दर्जी। दर्जी किसी भी प्रकार के कपड़े को ऐसा बनाता है ताकि हम पर फिट हो जाए। तो हम सबको साधना करनी है दर्जी की साधना, हम अपने आप को भगवान की सेवा करने के अधिकारी बनावे। भगवान की सेवा करने का अधिकारी वही है कि जिसके हृदय में छल कपट छिद्र नहीं है, सिंसियरली पवित्रता से अपने अभिमान का त्याग करके जो सेवा होती है वही सेवा गृहित होती है। और जिस सेवा में अभिमान बना हुआ हो, जिस सेवा में मैं तू का साम्राज्य बना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान की या किसी की सेवा नहीं कर सकता। और एक ध्यान में रखना, जहां जहां हमारी सेवा महात्माओं के द्वारा स्वीकृत नहीं होती वहां वहां समझ लेना कुछ तो भी हमारी सेवा में गड़बड़ी है। ये बहुत महत्व की बात है। और सेवा में गड़बड़ी क्या है, सेवा करने वाले को यदि अभिमान होगा कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, मैं किसी का कुछ कर रहा हूं, तो वही अभिमान बंधन का कारण बनता है। इसलिए दर्जी का यह जो प्रसंग है वो इसलिए कि हम अपने आप को ऐसे फिट बनावे कि जिसके द्वारा भगवान की सेवा करने के अधिकारी बने। ये बात हमको हमेशा याद आती है, बहुत पुरानी बात है। हमको एक बार ऐसे लगा कुछ लिखे तो हमने हमारे स्वामी जी से पूछा कि हम तपोर महाराज के जो 100 श्लोक लिखे उनके स्तुति में उसको लिखना चाहते अंग्रेजी में, तो उन्होंने कहा कि अभी मत लिखना, बाद में लिखना। फिर हमने उनको पूछा 2-4 महीने के बाद, फिर वो कहा अभी नहीं बाद में लिखना। हमने कहा क्यों नहीं हमको ऐसा लिखने दे रहे। फिर तीसरे बार उन्होंने स्वयं कहा कि जब तुम अधिकारी बनोगे तो सभी का सभी काम तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम पहले अधिकार को प्राप्त करें, जब अधिकारी हो जाएंगे तो हमारे पास सभी प्रकार के कर्म अपने आप पहुंच जाते हैं। समझो हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और हमारा काम ये है कि हमको कोई यहां से पुनः ड्राइव करके ले जाए, और हम जिससे प्रेम करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है वो व्यक्ति ड्राइव का स्पेलिंग तक नहीं जानता, गाड़ी चलाने की बात छोड़। तो क्या ऐसे व्यक्ति से हम गाड़ी चलाने का काम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। जब उससे हम ये गाड़ी चलाने का काम नहीं लेंगे तो क्या इसका ये तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं है? ऐसी बात नहीं है। सरल सरल गणित ये है कि वह काम करने का अभी अधिकारी नहीं हुआ,
भगवान हमसे सेवा तब लेंगे कि जब हम सेवा करने के अधिकारी होंगे। हम बताएं आपको, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको ये काम बताया भाई ऐसा करना है, उसने यदि पहले ही बार बताने के बाद बिल्कुल बिना गलती से परफेक्टली किया, दूसरे बार भी वैसा ही किया, तीसरे बार भी वैसा ही किया, तो क्या हमारी भावना बनेगी, धारणा बनेगी कि यह व्यक्ति ये कार्य के लिए अधिकारी है, तो फिर वैसा कार्य करने के लिए हम उसी को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। तो सबसे महत्व की बात यह है, पहले हम अपने आप को अधिकारी बनावे। बिना अधिकार चेष्टा हर एक के लिए परेशानी निर्माण करती है। तो धोबी और दर्जी महाराज, इन दोनों से हमने ये बात सीखी। और जब हम अधिकारी बनेंगे तो उसका फल क्या होगा, हमको इस जगत में धन संपत्ति बल ऐश्वर्य और अपनी स्मृति और इंद्रियों की शक्ति इत्यादि सब अच्छी तरह से बना रहेगा। तो धोबी महाराज हो गए, हाथ धुलाए और सबको फूलों की मालाओं से, हार पान चंदन इत्यादियों से उनकी पूजा इत्यादि करी और कहा कि भगवान प्राहनः सार्थकम् जन्म पावितम च कुलम प्रभो पितृ देवर्षयो मह्यम तुष्टाय अगमने वाम भवन्तो किल विश्वस्य जगत कारणम परम अवतीर्णाय विहांशेन क्षेमाय च भवाय च। हे भगवान, यह हमारा कितना सौभाग्य है, हमारे अनेक जन्म सफल हो गए क्योंकि आप हमारे घर में प्रवेश कर गए हैं और हम पर अत्यंत परम संतुष्ट हो गए हैं। आप ही जगत के परम कारण है, आपसे ही जगत में अभ्युदय और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं और आपने ही सभी जीवों को मोक्ष देने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। इसलिए हम आपसे यही मांगते हैं कि आप जो सबके प्रति प्रेम रखने वाले हैं, हमको ऐसी बात दे कि मैं सबका सेवक बनूं। देखो ये जो 48वां श्लोक है बड़ा सुंदर है। तावाज्ञा पयतम भृत्यम किमहम करवाणी माम तुमसोत्यनुग्रहो येष भवद्भिर्य निर्जते। भगवान की जब अनुकंपा होती है, अनुग्रह होता है, तो भगवान हमको उनके कार्य में लगाते हैं। ध्यान से सुनना, हम भगवान का कार्य नहीं करते, भगवान जब हमको सिलेक्ट करते हैं तब वो हमको उनके कार्य में लगा देते हैं। इसीलिए इसका पीछे जो उपनिषद का सिद्धांत है, यमय वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जब भगवान स्वयं किसी को सिलेक्ट करते हैं तब वो उससे सेवा लेते हैं। तो हे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप ही का जब अनुग्रह हो, कृपा हो, तब आपकी आज्ञा से ही हम कर्म में नियुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर के उसको अनेक अच्छे वर दिए और उसने कहा कि भगवान हम आपसे एक वर मांगते हैं। उन्हें उसने कहा, सोपि ववरे चलाम भक्ति तस्मिन् नेवाखिलात्मनि तद् भक्तेषु च सौदार्यम् भूतेषु च दयाम् पराम। हम भगवान आपसे एक ही मांगते हैं कि जो आप सभी प्राणियों की आत्मा है, सबके प्रति, सब स्वरूप जो आप है, आपके चरणों के प्रति मेरी अविचल भक्ति हो और आपके जितने भक्त है सभी भक्तों के प्रति मैत्री का संबंध हो और सभी प्राणियों के प्रति अहेतु की दया का अभाव हमारे हृदय में बना रहे। देखो, सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है अपने हृदय का निर्माण करना। जिस साधना के द्वारा बाहर के जगत की साफ सफाई होती है वो साधना नहीं है, वो अपने ही अहंकार की पूजा होती है।
जिस साधना के द्वारा अपने अंतकरण का निर्माण होता है वह आध्यात्मिक साधना। और इसीलिए कि भगवान यही हमारी इच्छा है कि आपके प्रति भक्ति बनी रहे, आपके जो भक्त है उनके प्रति मैत्री बनी रहे और सभी प्राणी मात्रों के प्रति हृदय में प्रेम सौधार्य और दया की भावना बनी रहे। ऐसे हृदय को कहते हैं भगवान के अवतरण के लिए अधिकारी हृदय। देखो इनके कहने में कितनी सुंदरता छिपी हुई है। कहते हैं कि भगवान आप हमें अधिकारी बना दो। जब आप हमको अधिकारी बनाओगे तो नेचुरली आप तो हमारे जीवन में आ ही जाओगे। तो यही है भक्त के दृष्टि से भगवान की भक्ति। तो ऐसा जब मांगा तो भगवान ने उनको ऐसी लक्ष्मी प्रदान करी जो वंश परंपरा से उनके घर में टिकी रही। एक बहुत सिद्धांत की बात है, इति तस्मै वरम दत्वा श्रियम चान्व वर्धिनीम बलम आयुष्य यश कांतिम निर्जगाम सहाग्रजः। जो भी पैसा कमाया जाता है ना, ये पैसा कभी भी तीन पीढ़ियों से ज्यादा नहीं टिकता। मनुष्य के द्वारा मेहनत का कमाया गया जो पैसा है ज्यादा से ज्यादा तीन पीढ़ियों तक टिकता है। तीन पीढ़ियों के बाद वो पैसा जो है फिर बिखरने लग जाता है, उसे नहीं टिकता। इसीलिए जो जो लोग ये कल्पना करते हैं कि खूब पैसा कमा के रखेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने सुपर पोतों के लिए, उससे कुछ नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य अपने प्रारब्ध को लेकर के आता है, यहां जी के चले जाता है। लेकिन भगवान ने उनको ऐसे लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया कि जो उनके वंश परंपरा में अनेक पीढ़ियों तक चलती रहे। इसीलिए जो लक्ष्मी भगवान की कृपा से प्राप्त होती है वही स्थिर होती है। और जो लक्ष्मी केवल हमने केवल अनेक प्रकार के उपद्रव करके इकट्ठी करी है वह बहुत चंचल होती है। आपको सबको पता है भगवान की दो पत्नियां हैं, एक भूदेवी और दूसरी लक्ष्मी देवी। इसमें भूदेवी है वह स्थिर संपत्ति है और जो लक्ष्मी है वह चंचल है। और भगवान के साथ जब गरुड़ पर बैठ करके जाती है लक्ष्मी जी तब वो हमारे जीवन में अच्छाई निर्माण करती है। और जब भगवान तो आने को तैयार नहीं लेकिन लक्ष्मी जी चाहती है कि मैं जाऊंगी अकेली, तो उस समय उनको गरुड़ वाहन नहीं मिलता। लक्ष्मी जी जब अकेली जाती है नारायण भगवान को छोड़ करके तब उनका वाहन होता है उल्लू। तो उल्लू पर बैठकर के लक्ष्मी जाती है अकेली। और इसीलिए जिनके जीवन में केवल पैसा ही पैसा है उसके साथ नारायण नहीं है, उनको वही पैसा उल्लू बनाता है। और ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन में अपने को भी दुखी सबको भी दुखी रखता है। इसीलिए इसके बारे में हमने कथा पढ़ी, किसी संत के मुख से लिखी हुई थी। एक बार एक बड़े अच्छे साधक थे, सन्यासी थे, परिव्राजक के रूप में घूम रहे थे और किसी के यहां गए। रात के समय खाना खाया, वहीं रात को आराम किए और सुबह वहां से निकल रहे। तो जब सुबह निकल रहे थे तो उन्होंने वहां एक घड़ी देखी और महात्मा जी उस कमरे में रहते हैं तो कोई ये थोड़ी सोचेगा कि यहां की सब वस्तुएं ठीक है कि नहीं, कि सुबह सुबह महात्मा जी ले जाएंगे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सुबह निकल गए वो और जाते समय उन्होंने घड़ी को अपने थैले में डाल दिया। और जब वो साफ सफाई करने के लिए आए घर के लोग, देखा घड़ी कहां गई, यहां तो है नहीं। अब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि महात्मा जी घड़ी ले गए होंगे। महात्मा जी चले गए और दूर जाने के बाद दूसरे स्थान का ठिकाना पहुंच गया। फिर उनका मन खटखट होने लग गया, वहां खाना बिना खाए और फिर रात को चल पड़े वापस। बोले मैं रात को रुकूंगा नहीं। फिर रात और रात चल करके फिर पहले घर पर आए जहां से घड़ी उठा के लाए।
और उन्होंने पूछा कि यहाँ जो मैं खाना खाया हूँ आपके यहाँ, आप लोग यहाँ धन कैसा कमाते हैं, मुझे पूछना है आपसे। ये जो आपने मुझे खाना खिलाया, ये धन कहाँ से आया? तो वो औरत ने कहा कि महाराज, हमारे ये दर्जी है, जेब काटते हैं, गला काटते हैं, इसीलिए ये चोरी का पैसा था, तो इस पैसे से कोई दान धर्म करना चाहिए ताकि लक्ष्मी पवित्र हो जाए। तब उन्होंने बोला, देखो ये चोरी के पैसे से बनाया हुआ अन्न जब मेरे देह में गया तो मेरी नियत बिगड़ गई। बहुत महत्व की बात, अन्न का पावित्र्य बहुत महत्व का है। देखो ऐसे अनेक महात्मा होते हैं जिनकी अपने बड़े स्ट्रिक्ट नियम है। एक नियम ऐसा है कि वो केवल स्वयं के हाथ से बनाया हुआ खाना ही खाएंगे। उसमें बड़े कष्ट लगते हैं, भूख लगी हुई हो और फिर जाकर के चूल्हा इकट्ठा करना, सामान लाना, खाना बना के खाना, इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन ऐसे जिनके नियम है उसके द्वारा वो अपने मन को बचा के रखते हैं जगत के प्रभाव से। इसलिए जीवन में जो अयोग्य मार्ग से प्राप्त किया हुआ धन है उससे आज तक किसी को भी शांति नहीं मिली, किसी का भी भला नहीं हुआ। हमको भले लगता हो कि हमको बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, ऐसे कितने घरों में हम जहां देखते हैं कि पैसा तो बहुत कुछ है लेकिन उनके ही बच्चे उनके लिए इतनी बड़ी समस्या बन जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, गलत मार्ग से आया हुआ पैसा उसका कभी भी विनियोग अच्छे प्रकार से हो ही नहीं सकता। इसका एक छोटा सा उदाहरण दो, मैंने एक बार आपको दिया था। एक हमारे मित्र है, वो डॉक्टर है, उनकी पत्नी कॉलेज की प्रोफेसर है। अब उनके बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में जाने लग गए, तब वो बच्चे छोटे छोटे थे। उनका जब दूसरा बच्चा हो गया तो बचपन से उसको ऐसे फोड़ी फुंसियां आने लग गई, इतनी फोड़ी फुंसियां कि तंग आ गया वो बच्चा। अब ये डॉक्टर का लड़का, कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर, सब प्रकार की दवाई करी, सब कुछ किया, कुछ ठीक होता ही नहीं। तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी, हम सब करके थक गए हैं, अब पता नहीं क्या कर सकते। हमने कहा हम बताएंगे, वो करो तो ठीक हो जाएगा। बोले क्या करूं? हमने कहा यहाँ कोई ऑर्फनेज है क्या? बोले हाँ है। हमने कहा कि 16 सोमवार तक हर सोमवार को वहां जाकर के 200 रुपए की मिठाई ले जाना, सभी बच्चों को हर सोमवार को खिला देना। ऐसा एक नहीं दो नहीं 16 सोमवार करो। और उन्होंने करा, जैसे जैसे सोमवार की गिनती बढ़ने लग गई, धीरे 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 उसके बदन पर जितने फोड़े फुंसियां थी कम होने लग गई। और फिर बोले स्वामी जी अब क्या करें? हमने कहा कि अब शिव जी के मंदिर में जाओ, बढ़िया पूजा करो और भगवान को अर्पण कर दो कि भगवान हमारे द्वारा जो भी कुछ गलत कार्य हो गया है उसको आप हमको क्षमा कर दीजिए, अब हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। उसके बाद उस बच्चे को ना एक दवाई की जरूरत है, अब इस समय जब मैं मिला उसको तो इतना लंबा चौड़ा मोटा हो गया। तो मैंने उसको कहा अभी फोड़े फुंसियां है क्या? बोला अब कुछ नहीं स्वामी जी। तो उसके माँ ने मुझे पूछा, स्वामी जी ये क्या आपने जादू किया? हमने कहा देखो हम जादू नहीं करते, ये सिद्धांत है शास्त्रों के। जितना पैसा इस बच्चे पर खर्चा करना था वो यदि इस सत्कार्य में लगाओ तो बच्चे को जो कष्ट हो रहे अपने आप कम हो जाएंगे। और इसीलिए पैसे की शुद्धि भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त किए पैसों से ही होती है। जहां जहां गलत पैसे का प्रयोग करके
कितना भी बड़ा सत्कार्य आप शुरू करो, वो सत्कार्य कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे पैसे की अपवित्रता है। तो भगवान ने उसको ऐसी संपत्ति प्रदान करी कि जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती ही जाए। उसके बाद अब हम 42वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। वहां 3-4 प्रकार के भगवान की लीला है। तो पहले लीला में कपड़े देखे, दूसरे लीला में हमने दर्जी को देखा, तीसरे इसमें फूल के माली को देखा। अब और धीरे धीरे ये सब अपने देह को लेकर ही है। आगे जाकर के अब कुब्जा पर भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया। परीक्षित जी को बता दे सुखदेव जी महाराज कि अथ व्रजन राजपथे न माधव, इस प्रकार से राजपथ से जब भगवान जा रहे थे अपने सभी मंडली के साथ, तो उन्होंने सामने एक युवती स्त्री को देखा और जिसका मुंह तो बड़ा सुंदर था, लेकिन वो 3 जगह में टेढ़ी हुई थी और इसीलिए नीचे झुक करके चल रही थी। भगवान ने उसके तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम ये हाथ में चंदन इत्यादि किसके लिए ले जा रही हो? और देखो कल्याणी, यदि हमको सच सच बता दो कि ये जो चंदन का अनुराग तुम ले जा रही हो, ये हमको दे दो तो तुम्हारा भला होगा। तो अब देखो, एक कुब्जा को भगवान ने जब सुंदरी कहा, भगवान सत्य स्वरूप है, उनके मुख से निकले हुए शब्द कभी भी असत नहीं होते। देखो, एक बहुत बड़े महात्मा थे, उनको हाइड्रोसिल हो गया था। इतना बड़ा हाइड्रोसिल कि जब वो बैठते थे कि सामने जैसा किसी ने ऐसे गठड़ी रख दी और मस्त थे एकदम। तो एक जवान लड़का उनको मिलने के लिए गया किसी अपने बाप के साथ वगैरह, और जब उनके देह को देखा, देह के विकृति को देखा, तो बड़े जोर से हंसने लग गया कि क्या महात्मा है, क्या महात्मा है, और जोर जोर से हंसने लग गया। और उस महात्मा ने कैजुअली कहा, अरे तू पागल हो गया है क्या, इतना क्यों हंस रहा है? इतना ही कहा और वो व्यक्ति पागल हो गया। देखो, इसीलिए जब भी हम जाते हैं साधु संतों के साथ, अपने पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। उनके मुख से निकले हुए शब्दों में सत्य की प्रतिष्ठा होने के कारण असीम शक्ति होती है, बल होता है। ये नहीं जानने के कारण हम कुछ भी किसी के साथ व्यवहार करें तो हमारा उसमें कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो भगवान ने जब उसको कहा कि सुंदरी, तुम कौन हो, कहां जा रही हो, ये चंदन हमको दे, तुम्हारा कल्याण होगा। तो जैसे उस कुब्जा ने सुना, सैरंध्री कुब्जा ने कहा कि मैं परम सुंदर हूं, बहुत बढ़िया है कि हे परम सुंदर, मैं तो कम सकी अत्यंत प्रिय दासी हूं और महाराज मुझे बहुत बड़े मानते हैं, और मेरा नाम त्रिवक्रा है, त्रिवक्रा माने 3 जगह टेढ़ी है, और मैं उनके लिए चंदन अनुराग लगाने का काम करती हूं, और उनको केवल मेरे ही द्वारा किया हुआ चंदन का अनुराग का लेप ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच बात बताऊं, इस चंदन के अनुराग को प्राप्त करने के अप्रतिम पात्र यदि कोई है तो केवल आप दोनों ही है और कोई नहीं है। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो कहते कहते कुब्जा का मन अपने हाथ से निकल गया और भगवान के प्रति उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। और जब उन्होंने भगवान को, बलराम जी को, दोनों को वो चंदन का लेप इत्यादि लगाया, तो भगवान ने अपने दर्शन का क्या फल है, अपनी सेवा करने वालों को क्या लाभ होता है, ये दिखाने के लिए अपनी 2 उंगलियां उनके ठुड्डी पर लगाई। ठुड्डी पर लगा करके अपने 2 पैर उसके पैरों पर दबा के रखे
और फिर सीधे उंगलियों से उसके गर्दन को सीधा किया, तो जहां जहां तीन जगह वो टेढ़ी थी वो जैसे कट 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 होकर के सीधी की सीधी तैयार हो गई। और उसका सौंदर्य जो था ही, वो सौंदर्य के साथ साथ जितनी कुरूपता थी वो सब समाप्त हो गई, वो अत्यंत उत्तम सुंदर युवती बन गई। और ये जब हुआ तो उसके मन में भगवान के प्रति बहुत जबरदस्त मिलने की इच्छा हो गई। तो उन्होंने भगवान को पकड़ करके कहा कि भगवान अब हम आपको नहीं जाने देंगे, आप हमारे घर चलिएगा, क्योंकि आप भगवान हो, हम आपके दासी हैं और आप हम पर प्रसन्न होइए। तो भगवान ने कहा कि देखो कि तुम्हारा यह जो व्यवहार है, काम जो है, संसारी लोगों के मानसिक व्याधि को मिटाने का साधन है। ये जो कुब्जा थी, आजकल के शब्दों में कहे तो वो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली थी। ब्यूटी पार्लर में क्या करते हैं, एक अम्मा है हमारी, हम नाम नहीं बताएंगे, वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। हम उनके यहाँ खाना खाने गए दोपहर के समय में, बहुत गर्मी थी, और हम कहा देखो हम खाना खा के सोते हैं, हम सो जाएंगे। हम सो गए, एक घंटे के बाद उठाई उसने, तो स्वामी जी उठ जाइए, बाकी लोग मिलने को है। हमने कहा हम किसी से मिलेंगे नहीं, हमको बड़ा मजा आ रहा, हम सोएंगे। बोले थक गए क्या? हमने बहुत थक गए। बोले आपकी क्या सेवा करूं? हमने तुमको जो मर्जी है सेवा करूं, लेकिन डिस्टर्ब मत करना, सबसे बड़ी यही सेवा है। तो उसने बोला स्वामी जी मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, मैं आपके चेहरे की मालिश करती हूँ। हमने कहा दाढ़ी मत उखाड़ना, बाकी कुछ भी करना, कहते मालिश में दाढ़ी उखाड़ दोगे। उस समय हमने पहली बार जीवन में उसका क्या होता है गुदगुदी पहली बार देखी, क्या क्या लगा करके फटाफट 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 मार 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 करके और फिर फरेश बना दिया। तब मुझे पता चला ये जो वहां जाकर के आने वाली माताएं होती है काफी चपाटे खाते, थड़ाधड़ 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 थड़ाधड़, घर में बैठी रहो, पति से झगड़ा करो, बहुत फ्री में मिल जाए, पैसे दे के मरवाने की क्या बात है। नारायण अच्छा भगवान। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा यह जो कार्य है ना, संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है, इसीलिए तुम अपना कार्य करो, मैं जब अपना कार्य पूरा करूंगा तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और इस प्रकार से उन्होंने वहां से विदाई ली। फिर आगे जब गए व्यापारियों के बीच में बाजार में, तो व्यापारियों ने भगवान को, बलराम जी को पान फूल हार चंदन अनेक प्रकार से भेंटों से उपहारों से उनका पूजन किया। और इस प्रकार से उनके भी मन में जब भगवान को मिलने की आकांक्षा जागृत हुई, धीरे धीरे आगे चलते गए, सभी का मन भगवान के प्रति समर्पित हो गया। और इसके बाद अब भगवान पहुंच गए पूर्ववासियों के जहाँ धनुष यज्ञ का स्थान था, वहां से पूछ करके वहां पहुंच गए। और जहां यह इंद्रधनुष के समान धनुष रखा हुआ था, अब देखो ऐसी ही लीला भगवान रामचंद्र जी के जीवन में, वहां भी धनुष भंग का प्रसंग है, यहां भी धनुष भंग, बिल्कुल रिपीट परफॉर्मेंस। लेकिन वहां उनको धनुष भंग करने के बाद सीता जी मिली थी, और यहां उसके बाद धनुष भंग होने के बाद कम सके सभी के सभी बड़े बड़े जो मारने वाले कुशल योद्धा थे वो भगवान पर टूट पड़े। और भगवान रामचंद्र जी हमेशा हाथ में हथियार लेकर के चलते थे, और कन्हैयालाल जी हाथ में ज्यादा से ज्यादा मोर पंख या तो बांसुरी लेकर के चलते थे। एक हमारे मित्र है, अभी राजस्थान में गए थे, उन्होंने अपने माता पिता के स्मृति में भगवान रामचंद्र और सीता जी का बहुत सुंदर मंदिर बनाया, हजारों वहां महात्मा आए, बहुत बड़ा उसका हुआ, और वो है कन्हैया के भक्त। तो मुझे कहते स्वामी जी अब मैं द्विधा में पड़ गया, मैंने राम का मंदिर तो बना दिया क्योंकि हमारे माता पिता को अच्छा लगता था, सबको व्यवस्था है, ये अपने दिल में कन्हैया के प्रति प्रेम है, राम के प्रति जागृत होता ही नहीं, तो कुछ बताओ हमने क्या, तुमने राम में क्या गड़बड़ी देखी कि राम के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता। बोले क्या स्वामी जी आप मुझे बुलवाते हो, सुन लो,
जब छोटे थे इनके कारण सभी परेशान, शादी हुई तो इनके कारण सीता जी परेशान, आप वापस आ गए शादी होकर के राज्य करने लगे इनके कारण धोबी परेशान, उसके बाद फिर कुछ दिन रहे तो उन्होंने अपने पत्नी का त्याग कर दिया तो पत्नी परेशान, फिर बाद में जाकर के बच्चे परेशान, इन्होंने दुनिया को परेशान इतना किया कि अभी भी अयोध्या में परेशानी जारी है। देखो व्यक्ति के देखने की दृष्टि, और बोले हमारे कन्हैया देखो किसी को परेशान किया ही नहीं, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण उस धनुष के यज्ञशाला में पहुंच गए और उस धनुष को बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ था, पूजा करी थी और अनेक सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे, तो भगवान को उन्होंने रोका कि वहां मत जाना, हाथ मत लगाना उसको, तो भगवान ने सबको हटा दिया और बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से उसको प्रत्यंचा डोरी चढ़ाई और जैसा चढ़ा ही रहे थे तो वो धनुष बीच में से टूट गया और जैसे हाथी इक्षुदंड को माने गन्ने को तोड़ता है इतने आसानी से जब ये धनुष टूटा तो सब जगह बहुत ही भयानक ध्वनि हुआ, कंस को भी डर लग गया और जितने भी उसके रक्षक थे वो भगवान पर जब टूट पड़े तो वो दो टुकड़े लेकर के दोनों ने भाई ने भगवान और बलराम जी ने उसी धनुष के टुकड़ों के द्वारा उनको जितनी भी सैन्य भेजा था उनका संहार कर दिया और इस प्रकार से यज्ञशाला से बाहर निकले और फिर मथुरा जी की शोभा देखने के लिए चल पड़े। जब इनके इस तेज का साहस का सब लोगों को पता चला तो उनके प्रति और भी आदर प्रेम निर्माण हो गया और लोग कहने लग गए आपस में कि निश्चित यह बात मनुष्य नहीं कर सकता, निश्चित रूप से ये कोई ना कोई श्रेष्ठ देवता ही है। और ऐसे स्वातंत्र से भगवान और बलराम जी मथुरा जी में घूम रहे थे बिना किसी हिचक के, बिना किसी के डरे हुए, और ऐसा करके शाम को फिर अपने डेरे पर आ गए और वहां आकर के आराम से वहां लेट गए और वहां उन्होंने हाथ पैर धोया, मुंह साफ किया और दूध खीर चावल इत्यादि खा करके वही रात को उन्होंने आराम किया। जब कंस ने ये बात सुनी कि कृष्ण और बलराम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणाम स्वबलस्य च, और उसको रक्षा करने वाले जितने सहाय थे उनको भी मार दिया है और यह कोई साधारण व्यक्ति बात हो ही नहीं सकती, इसीलिए उनके मन में बड़ी डर बैठ गई और उसको चारों तरफ से अपशकुन दिखने लग गए। एक अपशकुन या शकुन शास्त्र है, उसमें हम लोगों के जितने अनुभव है उनको लेकर के वो अच्छा है कि बुरा है ये बताने की प्रक्रिया बताते हैं, इसके बारे में एक दो बात आपको बताएंगे। यहां अनेक अपशकुन बताए हैं, अपशकुन क्या है कैसा है इस पर थोड़ा विचार करेंगे, क्या क्या अपशकुन उसने देखे कि जागृत अवस्था में उसने देखा कि दर्पण में शरीर तो दिखता है लेकिन सर नहीं दिख रहा है, उसके बाद आंखों को बिना दबाने से ही दो प्रकार के चंद्रमा दो प्रकार के सूर्य दिख रहे हैं, और उसके बाद छाया में जो देह की छाया है उसके बीच में छेद दिख रहा है, कानों में बंद करने के बाद जो प्रणव ध्वनि की आवाज सुननी है वो नहीं सुनने आ रही है, बालू और कीचड़ में से चले जाओ तो वहां अपने पैरों के जो चिन्ह है वो नहीं दिखते हैं, और इस प्रकार से स्वप्न में वो देख रहा था कि कंस जाकर के मुर्दों को गले लगा रहा है, गधे पर बैठ करके चढ़ रहा है, विष पान कर रहा है, उसका सारा शरीर तेल से लदा हुआ है और गले में लाल प्रकार के कुसुमों की माला पहनी हुए नग्न होकर के कहीं जा रहा है, ऐसे उसने अनेक अपशकुन देखे। अब देखो इसमें दो तीन बातें महत्व की है, इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है परमात्मा, फिर शकुन रहे या अपशकुन रहे,
और जिस व्यक्ति ने भगवान को पकड़ लिया है उसके लिए शकुन और अपशकुन दोनों समान हो जाते हैं। दोनों कैसे समान हो जाते हैं? उसके जीवन में जो अच्छा बुरा होना है वो तो होगा ही। भगवान कृष्ण होते हुए भी युद्ध नहीं टला, वो तो होगा ही। लेकिन फर्क क्या हो जाता है? फर्क ये हो जाएगा कि उसकी जो जीवन के अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता और दृष्टि है उसमें परिवर्तन आ जाता है। देखो, जीवन में अच्छी बुरी घटना होने के बाद यदि हम सुखी दुखी हुए तो हम में कोई वैशिष्ट्य नहीं है, और यदि हमारे जीवन के प्रत्येक अच्छी बुरी घटना के माध्यम से यदि परमात्मा का स्मरण जागृत हो गया तो हमारे जीवन की बुरी घटना भी हमको हमारा भला करवाएगी। देखो, तो अपशकुन शकुन में बदल जाते हैं यदि उन अपशकुनों के कारण हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो, और यदि अच्छी बात या घटना हमारे जीवन में हो गई और उसके कारण हम यदि परमात्मा को भूल जाते हैं तो वो अच्छी घटना सत्यानाश हो गई उसका, क्योंकि जो हमको परमात्मा से दूर ले जाता है वो कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं साबित हो सकता। तो यहां कम सके जीवन में भगवान कृष्ण इतने प्रबलता से प्रवेश कर गए थे कि उसको दिन रात सुबह शाम केवल कृष्ण 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 एक ही चिंतन लग गया था, और इसीलिए उसको रात में भी दिन में भी अनेक अपशकुन नजर आते थे कि मानो ये भगवान कृष्ण आकर के मेरा कुछ बुरा करने ही वाला है, और ऐसे वो अनेक अपशकुनों के से डर करके रात को नींद भी नहीं कर पाया। अब इसका दूसरा पक्ष, अपशकुन इत्यादि जो हमको दिखते हैं शकुन इत्यादि, इसके एक दो कारण है। एक बात, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शक्ति है कि यदि हम अपने मन को एकदम शांत रखें तो जैसे हमारा मन भूतकाल की घटनाओं को स्मरण कर सकता है, उसी प्रकार से हमारा मन भविष्यकाल की होने वाली घटना को भी जान सकता है, क्योंकि भूत और भविष्य यह केवल मन की ही कल्पना है, वास्तव में भूत भविष्य नहीं है। तो जो मन भूत भविष्य की कल्पना करता है वह जिस आसानी से भूत को पहचान लेता है उतनी ही आसानी से भविष्य को जान सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हमारा मन परमात्मा के भक्ति के कारण दृढ़ हो गया है, बलवान हो गया है, तो जीवन की आने वाली प्रत्येक अच्छी बुरी घटना में भगवान के अनुग्रह को समझेगा, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपशकुन या अच्छे शकुन दोनों का कोई महत्व नहीं रहता। तीसरी बात, यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का अभाव हो, उसकी कमी हो, तो हम अपने जीवन में आने वाली बुरी घटनाओं का कोई संकेत पा करके अपने आप को कोसेंगे और अपने जीवन में हमेशा डरे डरे रहेंगे। इसलिए अपने हृदय में रहने वाले इस ज्ञान को बलवान बनाने के लिए हृदय में भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। ये इसके तीन पहलू है। तो कंस महाराज ने इस प्रकार से अनेक अपशकुन देखे, उसकी चिंता बड़ी हो गई और वो मृत्यु के डर से बहुत डर गया, और फिर उसे नींद भी नहीं आई और रात बीत गई। सूर्यनारायण भगवान समुद्र से ऊपर उड़ गए और राजा कंसन ने मल्ल क्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ करने की आज्ञा दे दी। सभी प्रकार से रंगभूमियों को सजाया और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और सभी प्रकार के लोगों को वहां बुला करके योग्य स्थान बैठा दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय नागरिक ग्रामवासी अपने अपने स्थान पर बैठ गए और राजा
अपने अपने दिव्य सिंहासनों पर बैठ गए और सबके साथ मंत्रियों के साथ कंस महामंडलेश्वर के जैसा सबके बीच में जाकर के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वैसे देखा जाए तो कंस का चित्त वैसे ही मृत्यु के डर से कांप रहा था और फिर भी उसने अपने इस डर को छुपाया और देखा पहलवानों ने बड़े जोर से अपने ताल ठोकना शुरू कर दिए और बड़े सज धज करके अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में उतर आए। और कौन कौन थे वो मल्ल, या पांच मल्लों के नाम गिनाते हैं, चाणूर मुष्टिका कूटहा शलस्तो शल एवच स आसेदु उपस्थानम वल्गुवाद्य प्रहर्षिता। तो चाणूर मुष्टिक कूट शल और तोशल ये पांच जो बड़े बड़े मल्ल थे वे अपने अपने स्थान से उठ करके आ गए। और जब वहां अनेक प्रकार की ध्वनि हो रही थी बाजाओं की तो उसको सुन करके बड़े जोश में आकर के उन्होंने अपने शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उस समय कंस ने जितने भी नंद बाबा और जितने गोप आए थे उनको बुलाया और हरेक को अच्छे अच्छे भेंट दे करके सबको आदर किया और फिर अपने मंच पर जाकर के बैठ गए। जब व्यक्ति के मन में बहुत डर बन जाता है तो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करने का नाटक करने लग जाता है। देखो दो प्रकार की अच्छाई होती है, एक प्रकार की अच्छाई स्वाभाविक है। स्वाभाविक अच्छाई में प्रेम की अभिव्यक्ति तुरंत हो जाती है और दूसरी अभिव्यक्ति सामने वाला बड़ा गुंडा है, इसके साथ यदि व्यवहार ठीक नहीं करेंगे तो पता नहीं कुछ ना कुछ करके बैठेगा, इसीलिए इसके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो दोनों जगह अच्छा व्यवहार हो रहा है, एक प्रेम से और दूसरा डर से। यह जो कंस का अच्छा व्यवहार था यह डर से होकर के सबका उसने आसन सत्कार इत्यादि किया। उसके बाद यहाँ 42वां अध्याय समाप्त होता है। उसके बाद कोल्यापीड का उद्धार है बड़े हाथी का और फिर भगवान अखाड़े में प्रवेश करते हैं और उसके बाद भगवान की अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इन लीलाओं का चिंतन स्मरण करते जाए और अपने मन को ऐसे विचारों में व्यस्त रखे कि जगत के विचार आना बंद हो जाए। ध्यान से सुनना, मन पर नियंत्रण पाना हरेक के बस की बात नहीं है, इसलिए इस मन को नियंत्रण में लाने के चक्कर में ना पड़े। बहुत बढ़िया, फिर क्या करें, इस मंत्र को बिजी रखें। और मंत्र को कैसे, मन को कैसे बिजी रखें, यदि आप कल्पना करोगे कि हम हाथ में माला लेकर के भगवान का नाम लेंगे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा राम 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 राम, कुछ समय के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि बिना प्रयत्न से राम नाम और माला घूमती रहेगी। और जो काम करने में मैकेनिकल चीजें हो जाती है उसमें से हमारे प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद एक आपके मन के मॉनिटर पर दूसरी खिड़की खुल जाएगी। तो पहले 98 विंडोज 1 खुली, ओम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, एक विंडो खुल गई। कुछ समय के बाद वो काम कर रही है उसको मिनिमाइज कर दो, दूसरी विंडो खुलेगी फिर, और दूसरी विंडो खुलने के बाद फिर दूसरे प्रकार के विचार शुरू हो जाएंगे। और यही हमारे सबके साथ होता है, इसीलिए कंटिन्यूअसली भगवान का नाम एकाग्रता से लेना संभव नहीं है। तो क्या करें, फिर जब मन उसमें मैकेनिकल होने लगे तो स्टॉप, फिर भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, साधु संतों के जो चरित्र है, उनके जीवन के जो दिव्य अनुभूतियां है उसको पढ़ना शुरू करें। इस प्रकार से मन को विविधता मिलेगी, लेकिन
उस मन में संसार निर्माण नहीं होगा। और ये करने के लिए भगवान ने ये सारी लीलाएं करी है। तो जितने भगवान की एक एक लीला पर चिंतन करो, कि भगवान ने उस कुब्जा को सीधा किया, सौंदर्य प्रदान किया, तो इसका क्या अर्थ है, भगवान ने ऐसा क्यों किया है, तो फिर हमको अपने में तीन प्रकार की वक्रता नजर आएगी। हम कितने दंभी हैं, हम कितने भोगी हैं, हम कितने स्वार्थी हैं। जो दंभ स्वार्थ भोग प्रधानता है, यही हमारे जीवन की वक्रता है। हमारा दंभ स्वार्थ भोग पवित्र तब हो जाता है जब भगवान के प्रति समर्पित होता है, और भगवान के दृष्टि से सभी सुंदर है, हम ही भगवान के सौंदर्य को पहचानते नहीं। जहां उस कुब्जा ने पहचान लिया, तो भगवान ने उसके अंदर निहित सौंदर्य को प्रकट कर दिया। उसी प्रकार से हमारे सबके हृदय में सौंदर्य छिपा हुआ है, उसको प्रकट करने के लिए केवल भगवान के प्रति समर्पण। इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान की एक एक लीलाओं पर चिंतन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो मन में दिव्य भावों की जागृति होगी। और जब मन में दिव्य भावों की जागृति होगी, तो अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति से परमात्मा को ढूंढने की प्रक्रिया प्राप्त होगी। जैसे कोई बनिया हो, वो हरेक स्थान में जाकर के वहां पैसे कैसा कमाया जा सकता है ये विचार करता है, उसी प्रकार से भगवान का जो भक्त है, वह जहां भी चले जाए, जैसा भी उसका अनुभव हो, उस प्रत्येक अनुभूति के माध्यम से वह परमात्मा को पहचानने का अभ्यास कर सकता है। इसीलिए इन भगवान की कथाओं का प्रसंग हमको एकाग्रता से और पवित्रता से सुनना है। अगली कथा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।